नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिशा किचन में। नवरात्र में व्रत में खाने वाला आज मैं ऐसा नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो जल्दी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। व्रत का मैं जो नाश्ता बनाऊंगी बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने समा का चावल लिया है और ये चावल जो है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आपको पाउडर भी मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे चावल मिला था। तो चावल को अच्छे तरीके से धुल के हमने इसको सुखा लिया था। सुखा के यहाँ पे देखिए, थाली में हमने इसके पीस के मिक्सचर से पाउडर बना लिया है। अगर आपको मार्केट में अगर पाउडर ना मिले चावल का, तो समा का चावल लेके इसको मिक्सचर में पीस कर पाउडर इसको बना सकते हैं आसानी से घर पर ही। तो यहाँ पे देखिए, हमने चावल को अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे भुना हुआ मूंगफली को हमने पीस लिया इसी बट्टे पे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कटोरी का नाप लेंगे। तो कटोरी से हम नापेंगे जो हमने चावल पीसा, एक कटोरी भरकर हम चावल ले लेते हैं पीसा हुआ। तो एक कटोरी देखिए नाप कर हमने चावल को पीसा था। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक कटोरी का नाप ले लिया, थाली में इसको पलट देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी तैयारी कर लेते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हरा धनिया लिया, इसको हम बारीक धुल के काटेंगे और हरी मिर्च भी काट लेते हैं। व्रत में ज़्यादा बड़ा नाश्ता बनाने का मन नहीं करता, ऐसा नाश्ता बनाने का मन करता है जो जल्दी बन जाए और खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो वही नाश्ता आज मैं बनाऊँगी और ये आप व्रत में क्या बिना व्रत के भी खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए, जो हमने आलू उबाला हुआ था, आलू को हमने छील लिया है। व्रत का नाश्ता बनाने के लिए देखिए, चूल्हे में ईंधन को जला दिया और पैन भी हमने चढ़ा दिया है। इसी कटोरी से हमने जो चावल का आटा नापा था, तो इसी कटोरी से हम पानी भी नाप कर नाएंगे पैन में। तो देखिए, कटोरी हमने पानी लिया, इसको डाल देते हैं। तो पानी हम 3 कटोरी डालेंगे। यहाँ पे 3 कटोरी पानी डाल दिया है और चावल हमारा 1 कटोरी था। तो 3 कटोरी पानी गुनगुना होने के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। पानी जो कि हल्का हल्का गुनगुना होने लगा है, तो यहाँ पे देखिए, साबुत जीरा हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच। आप व्रत में जो चीज़ खाते हैं वही चीज़ें आप डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और अब डालेंगे इसमें व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, तो हमने 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है। और अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च कटी हुई तीखे के अनुसार। अगर आप लाल मिर्च भी खाते हैं व्रत में तो उसको भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से पानी मिक्स कर लेते हैं। पानी में अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम, यहाँ पे हमने जो कच्चा मूंगफली भून के पीसा था उसका पाउडर यहाँ पे हम 1/2 चम्मच डाल देंगे। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा व्रत में। और यहाँ पे हमने कच्चा नारियल लिया था, उसको घिस लिया था थोड़ा सा, 1 चम्मच है, इसको भी डाल देंगे। हरे धनियों को हमने यहाँ पे बारीक काट लिया था, इसको भी डाल देंगे इसमें। ऊपर से देखने में ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। इसको देखिए मिक्स कर लेते हैं धनिया पत्ती को डालने के बाद। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। जो समा के चावल के आटा है इसको धीरे करते हुए देखिए हम डालेंगे और मिलाते जाएंगे। पहले थोड़ा से डालेंगे, इसके बाद इसको मिलाते जाएंगे। देखिए पूरा आटा हम डाल देंगे इसी में और इसको हम अब इसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। और जैसे जैसे ये पानी सूखता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। जो नॉर्मल आटा यूज होता है घर में वो भी यहाँ पे डाल के बना सकते हैं उसका भी नाश्ता बगैर व्रत के। तो जैसे जैसे उबाल आता जाएगा देखिए, एकदम ये आटे का डो जैसा देखिए दिखने लगेगा। और इसको अच्छे से हमें पका लेना है यहाँ पे धीमा आंच करके। ये एकदम देखिए आटे का डो जैसा देखिए बनते जा रहा है और इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से। ये एकदम डो जैसा बन गया है और इसको हम इस तरीके से चलाते हुए इसको पका लेंगे। आटे का डो जैसा बन गया है, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, ऊपर डाल देते हैं। ये रहा देसी घी, व्रत में यूज करते हैं देसी घी डाले। और यहाँ पे देखिए 2 उबला हुआ आलू हमने घिसा था, इसको भी डाल देंगे। अब डालने के बाद अच्छे तरीके से पलटे की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये अच्छे तरीके से सूख गया है और पैन को हम उतार लेंगे। और उतार कर हम अच्छे तरीके से नीचे मिक्स कर लेंगे कि जो हमने उबला हुआ आलू डाला है और जो हमने देसी घी डाला ऊपर से, अच्छे तरीके से चावल के आटे में मिक्स हो जाए। आलू को अच्छे तरीके से हमने चावल के आटे में मिला दिया है। आलू घिस के हमने इसलिए डाला था कि इसमें ढोके आलू के बिल्कुल ना रहे। और यहाँ पे एक हमने थाली लिया है, साफ थाली, इसी में हम थाली के अंदर अब हम लगाएंगे देसी घी, फैला देते हैं। ये अपना जो हम पेस्ट इस पर रखें तो चिपके ना थाली में, तो देसी घी देखिए थाली में अच्छे तरीके से हमने लगा दिया है। इस पेस्ट को हम थाली में रखेंगे।
आप चाहे तो कोई ट्रे भी ले सकते हैं जिसमें सही लगे आपको। इसको अच्छा सा शेप देना है, इस तरीके से इसको हम फैलाते जाएंगे। और ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटे में रखना है। हथेलियों की सहायता से देखिए इस तरीके से इसको हम फैला लेंगे अच्छा सा, इसको जैसा शेप देना चाहेंगे। अभी गर्म, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस तरीके से इसको दबाते हुए शेप दे देंगे। हाथों की सहायता से इसको हमने अच्छे तरीके से फैला दिया। ठंडा होने के बाद इसको हम काटेंगे। तो जो भी चीज़ें हमने इसमें डाला, अगर आप व्रत में नहीं खाते तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा बैटर है ठंडा हो गया है, इसको देखिए कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसको देखिए चाकू की सहायता से धीरे धीरे हम कट करेंगे, और जैसा आप शेप में चाहते हो उसके हिसाब से आप काट सकते हैं। देखिए यहाँ से हम एक कट कर लेते हैं, थोड़ा बड़े में हम काट रहे हैं इसको, और भी हम शेप देंगे भी काटने के बाद। इसको देखिए हम बीच से इस तरीके से काट लेते हैं। इसको सैंडविच जैसा शेप दे देंगे हम काटकर। चाकू से जो हमने सैंडविच जैसा कटिंग किया इसको देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए देखिए आराम से देखिए निकालेंगे। तो ये देखिए प्लेट में रख देते हैं और निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सैंडविच जैसा कटिंग करने के बाद इसको देखिए हमने पैन को चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इसमें डालेंगे देसी घी फ्राई करने के लिए। तो देसी घी हमने डाल दिया 2 चम्मच। अच्छे से घी को फैला लेते हैं। आप चाहे तो तेल खाते तेल भी यूज कर सकते हैं। एक एक करके देखिए इसको डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो एक तरह से लाल हो गया है, इसको देखिए पलट देते हैं, तरीके से लाल करके पका लेंगे। सैंडविच जैसा हमने सेक दिया था उसको हमने दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लिया है। अब इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए इतना खूबसूरत लगा देखने में। तो ऐसे ही हम पैन में सभी को सेक लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से लाल हो गए हैं और एकदम कुरकुरे नाश्ते जैसे ये बने हुए हैं। उलट पुलट देते हैं इसको, इसमें कलर कितना सुंदर सा आया आप देख सकते हैं। इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए तो व्रत का नाश्ता काफ़ी सारा बन चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं थाली में। तो ये देखिए इस तरीके से तो बहुत ही कम सामान से और इतना टेस्टी नाश्ता देखिए बनकर तैयार हो गया है व्रत का। ये नाश्ता जो है देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको दही के साथ खाइए या तो फिर अपने मनपसंद चटनी के साथ खाइए। अगर आप बिना व्रत के बना रहे हैं तो सॉस के साथ खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप व्रत का नाश्ता बहुत कम समय में और बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलते हैं। धन्यवाद।